नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कि 24 अक्टूबर 2024 का है, और इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आधार कार्ड के आधार पे आप डेट ऑफ बर्थ को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। मींस आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। और केस में ये था कि जो अपीलेंट्स हैं वो एक मीन्स डिपेंडेंट्स हैं, एक जो डिसीज्ड है उनके डिपेंडेंट्स हैं, और जो रिस्पॉन्डेंट है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो फैक्ट्स केस के ये थे कि डिसीज्ड हैं वो एक मोटरसाइकिल में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, और जो हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो उनसे मृत घोषित कर दिया। मींस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। जो फैक्ट्स को हम देखेंगे उसी पर हम ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाएंगे, उनकी जो डेथ हो गई थी। लेकिन जब इसका फिर जो केस था वो MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में यह केस किया गया था, तो MACT ट्रिब्यूनल ने कॉम्पनसेशन थी वो अवार्ड की थी। और इसके अगेंस्ट पे जो इंश्योरेंस कंपनी ने है उन्होंने फर्स्ट अपील थी वो फाइल की थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और इसमें ये कहा था कि जो मल्टीप्लायर मेथड है जो ट्रिब्यूनल ने लगाया वो गलत लगाया, क्योंकि जो आधार कार्ड था वो उनकी जेब से निकला, तो मीन्स जो मृतक की जेब में जो था उसे जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 47 ईयर्स थी, तो इसलिए मल्टीप्लायर मेथड है वो 13 लगना चाहिए। और अब यहाँ से एग्रीवेट होकर जो उनके जो मीन्स डिपेंडेंट्स हैं उन्होंने आगे अपील थी वो फाइल की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ने कॉम्पनसेशन थी वो रिड्यूस कर दी थी, और उसके अगेंस्ट पे फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये डिस्प्यूट ये था कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें जो मृतक की जो एज है वो 45 ईयर्स थी, तो इसलिए मल्टीप्लाई मेथड 14 का लगाना चाहिए था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको मीन्स सेट असाइड कर दिया, और इसमें कहा कि हाई कोर्ट को इसमें MACT के जो ट्रिब्यूनल में जो फाइंडिंग्स थी उसको रिवर्स नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ऑफ अपील का मतलब ये नहीं कि उसकी जो एक और ओपिनियन आता है तो उसका मतलब आप दूसरा ओपिनियन दे दो। जब तक कोई उनके जो ओपिनियन में कोई इलीगलिटी या परवर्सिटी ना पाई जाए, और ऐसे में जो इनकी जो इनकम थी उसमें भी रिड्यूस कर दिया था हाई कोर्ट ने, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस इनको जो 5000 समथिंग का अवार्ड थी वो कर दी थी हाई कोर्ट ने, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको 9000 थी वो अवार्ड कर दी, और टोटल जो कॉम्पनसेशन थी उसमें भी जो है वो बदलाव आया, तो इसलिए जो अपील थी वो मीन्स अलाउ कर दी थी इन दैट अबव टर्म्स एंड कंडीशंस के मीन्स टर्म्स के साथ, कि जो एक मेथड था जो नेशनल इंश्योरेंस वर्सेस प्रेनेसिंग का जो जजमेंट थी और सारे जो मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ लॉ थे वो लगाए गए थे इसमें। तो आइए थोड़े से फैक्ट्स को देखते हैं और उसके बाद हम ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे इस जजमेंट में था क्या। एक ऑर्डर है, ऑर्डर में क्या था तो हम देखते हैं। और ये यहाँ पर बताया गया कि जो अपील थी वो वाइफ और सन थे डिसीज्ड के, उनकी जो डेथ थी वो 4 अगस्त 2015 का केस था, उसमें उनकी डेथ हो गई थी 4 अगस्त 2015 में जब वो मोटरसाइकिल में जा रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर 1600 एक और व्यक्ति के साथ जा रहे थे, दोनों रोड के किनारे पे इंजर्ड अवस्था में पाए गए थे, और जो पहले जो मृतक हैं उनकी जो डिसीज्ड हैं उनकी कम टू इंजरीज में जो चोटें लगी थी उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, और दूसरे जो थे उनको मेडिकल कॉलेज रोहतक में उनका इलाज हो रहा था, और जो जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था एक और विटनेस थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था कि ये घायल अवस्था में पाए गए हैं रोड पे, उन्होंने मैटर पुलिस को रिपोर्ट किया, वहां से तफ्तीश हुई और इंजर्ड थे उनका स्टेटमेंट लिया गया, और किस तरह का ऑफेंडिंग व्हीकल्स थे उसके बारे में पर्टिकुलर्स थे वो उन्होंने बताए, और इसी बेसिस पे FIR नंबर थी 2015 में ही FIR रजिस्टर्ड हुई थी 4 अगस्त 2015 को, और अंडर सेक्शंस थे 200, 279, 337, 304A जो रैश एंड नेग्लिजेंसी के जो सेक्शंस हैं उसमें लगाए गए थे पुलिस स्टेशन 1600 जगह पे,
क्लेम पटिशन थी जो मींस एमएससीटी ट्रिब्यूनल में जो पटिशन डाली गई थी, क्लेम पटिशन बताया गया 2015 में फैमिली मेंबर्स ने, डिसीज्ड के फैमिली मेंबर्स ने डाली थी, जो कि 16 दिसंबर 2015 को डाली थी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल रोहतक में। और जो अवार्ड था वो 26 अप्रैल 2017 में दिया गया था 19,35,400 का, और साथ में इंटरेस्ट था 7.5% था जब से उन्होंने क्लेम पटिशन फाइल की है तब से लेकर तब तक का 7.5% का इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट था वो लग मिलेगा। अब यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट इंश्योरेंस कंपनियां, उन्होंने उनको डायरेक्शन भी दी कि वो नेशनलाइज्ड बैंक में जो बैंक अकाउंट है क्लेम अपीलेंस में डालें, और जो कि क्लेमेंट नंबर 2 और 3 थे जो कि माइनर थे उस समय, उनका कि उनका शेयर जो है 6 लाख ईच जो है वो भी फिक्स डिपॉजिट में डालें जब तक वो मेजोरिटी के पीरियड में, जब 5 साल तक में, जब 5 साल तक की जो मेजोरिटी है जब जब तक वो मेजोरिटी उनको होनी जाती विच एवर इज लेटर, जो जिसमें भी देरी होगी उसमें उनको मिलेगा। और अब यहाँ पर अपील डाली गई थी 9 मार्च 2023 में एक एफएओ का जो ऑर्डर आया था, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया था, मीन्स एफएओ का फर्स्ट अपीलेट ऑर्डर जो है, मीन्स एमएससीटी के जो ट्रिब्यूनल का जो हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो दिया था 9 मार्च 2023 को, और अमाउंट जो था एमएससीटी का उसको रिड्यूस कर दिया गया, मीन्स जो अमाउंट था 12 लाख था, 19 लाख का जो अमाउंट था उसको रिड्यूस करके सिर्फ 9,22,336 कर दिया, और कहा कि नोटिंग ये किया कि जो मिनिमम वेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट ने बताए हैं मिनिमम वेजेस वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे स्टेट में, और एक इसलिए जो नेशनल इनकम थी डिसीज्ड पर्सन की उसकी देखी, और जो स्पेशल डीसी रेट्स थे जो नोटिफाई किए थे डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के थे, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होंगे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे, और फिर इसके बाद ये ऑब्जर्व किया कि डेथ के समय जो ये भी ऑब्जर्व किया कि डेथ के समय जो आधार कार्ड था डिसीज्ड का जो उस समय उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी सो एंड सो 1969 के बाद जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी जो सो एंड सो मंथ्स और डेट के हिसाब से एज जो है उनकी 47 बन रही थी, तो इसलिए मल्टीप्लायर मेथड जो है वो 13 लगेगा, मींस जितनी एज बढ़ेगी तो उसी हिसाब से मल्टीप्लायर मेथड है वो रिड्यूस हो जाता है। और अब यहां से क्लेमेंट अपीलेंट थे वो इससे संतुष्ट नहीं हुए इस जजमेंट से, उन्होंने कहा कि रिड्यूस अमाउंट है रिड्यूस कर दिया गया, तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि जो मल्टीप्लाई मेथड है वो 14 लगना चाहिए, क्योंकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में डिसीज्ड की एज जो है 1970 का बताया जा रहा है, मीन्स अक्टूबर 1970 का बताया जा रहा है, उस जब एक्सीडेंट हुआ था तब उनकी उम्र 45 साल थी, और जो कैलकुलेशन जो मंथली इनकम थी वो बनती थी जो कैलकुलेशन मंथली इनकम का बताया गया था जो हाईकोर्ट ने कहा एक्सेप्ट किया था वो की थी 5,886 रुपये, उससे भी वो संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये इससे भी वो एग्रीवेट हुए। अब सुप्रीम कोर्ट में नोटिस था वो इशू हुआ 17 अक्टूबर 2023 को, मैटर को वहाँ के लोक अदालत में भेजा गया, और 23 जुलाई 2024 में को मीन्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भेजा दिया था तब वो लोक अदालत में भेजा गया, लेकिन 2 अगस्त 2024 में ये रिकॉर्ड किया कि मैटर जो है वो सेटल नहीं किया जा सका। अब यहाँ पर काउंसिल साहब पार्टीज के, उन्होंने रिकॉर्ड को भी देखा और सुनने के बाद ये रिकॉर्ड को भी देखा, कहा कि कॉन्फ्लिक्ट होता है डेट ऑफ बर्थ दोनों डॉक्यूमेंट पे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आधार कार्ड में किसको पहले लिया जाएगा, तो ये इशू बनता है कि मीन्स आधार कार्ड है वो कुछ डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डेट बता रहा है, तो किसको कंसिडर में लिया जाएगा अथॉरिटेटिव में। और कहा कि जो फैक्ट्स थे हाई कोर्ट ने जो रिड्यूस की थी कॉम्पनसेशन लर्नर्ड एमएससीटी की, क्या वो जस्टिफाइड है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ है, इस इशू को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना व्यू दिया कि जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर एरर की है, मीन्स रिडक्शन जो किए गया है अमाउंट का उसको रिड्यूस किया है, उसमें कहा कोर्ट ने यहाँ पर एरर किया है। रीजंस क्या थे, रीजंस ये बताए थे कि अपीलेट कोर्ट जो है वो एक सिटिंग इन अपील जो अपील पे वो अगर वो कोर्ट बैठ रही है तो इस अब ये अगर वो जो नीचे की जो कोर्ट ने जो व्यू लिया है उससे अपने व्यू के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, तो मतलब ये हुआ कि नीचे की कोर्ट ने कोई भी ओपिनियन लिया व्यू लिया है तो उस व्यू को दूसरे व्यू से नहीं देख सकती, सिर्फ उसको व्यू को देखना है उसमें व्यू में कितनी एरर है कि गलती है कि नहीं है, अपना व्यू नहीं दे सकती कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट अपना व्यू नहीं दे सकती, तो सिर्फ उसको ये देखना है कि जो डिसीजन जो अराइव हुआ है वो कहीं अफ्लिक्टेड टीम इज कहीं प्राइवेसिटी से ग्रस्त नहीं है या इलीगलिटी से ग्रस्त नहीं है या फिर कोई ऐसी वॉइस नहीं है जो कि बियॉन्ड रिडेम्पशन उसे ठीक नहीं किया उसे ठीक किया जा सकता है अगर ऐसे में तो अगर कोई उसने व्यू ले लिया नीचे की ट्रिब्यूनल ने अगर कुछ ग्रस्त है किसी चीज से तभी उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और साथ में कहा कि वेल सेटल्ड प्रिंसिपल भी है ऑर्डर भी है सिंपली एक और व्यू बन सकता है इसका मतलब नहीं कि आप अपना व्यू दे दें, तो इसमें इम्प्यूनिटी ऑर्डर हाई कोर्ट का था इसमें भी ये पाया गया। और क्वेश्चन बिफोर जो हाई कोर्ट था वो
अब यहाँ पर ये बिफोर द हाई कोर्ट ये के समक्ष जो क्वेश्चन ये था, ये नहीं था कि किस यार्डस्टिक से नोशनल इनकम डिसीज्ड की डिसाइड की जाए या जो बेटर हो। यहाँ पर कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं था, जो रेट नोटिफाई किए थे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रोहतक ने तो अप्लाई नहीं किया जा सकते डिसीज्ड को, पहले कहा कि कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग्स पे। और जो टेस्टिमोनीज थे PW2, 5, 6 वो ये बताते हैं कि वो जो मृतक हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मींस एग्रीकल्चरिस्ट थे, मींस खेतों में मींस जो किसान मींस एग्रीकल्चर जो करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट थे, और जिनके पास खुद का एक ट्रैक्टर भी था और जेसीबी मशीन भी थी। तो अब सेकंड एस्पेक्ट ये था कि एज ऑफ डिसीज्ड, तो हाई कोर्ट ने आधार कार्ड के आधार पे मींस आधार कार्ड पे बताया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 1969 है, लेकिन जो क्लेमेंट अपीलेंट ने कहा कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ डिसीज्ड की रिकॉर्ड की गई है 7 अक्टूबर 1970, तो इसलिए मल्टीप्लायर मेथड भी अफेक्ट होगा, क्योंकि अब यहां पर अब इस क्वेश्चन को कोर्ट ने अपने लेवल पे एनालाइज किया, कहा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो एक स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन है, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 94 जेजे एक्ट है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसमें जो सब सेक्शन 2 क्या बताता है कि उसमें कहा है कि कौन कौन से पे आधार पे मानना चाहिए कि जो एविडेंस के तौर पे डेट ऑफ बर्थ को किसको मानना चाहिए। पहला जो डेट ऑफ बर्थ का बताया गया है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो स्कूल द्वारा दिया जाता है, या फिर मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो किसी कंसर्न एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा दिए गए अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है इसमें अवेलेबल तो अगर उनसे ये इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तब जो डेट ऑफ बर्थ जो कॉर्पोरेशन देगी जब म्युनिसिपल अथॉरिटी देगी या फिर पंचायत देगी सेकंड लेवल पे उसको माना जाएगा, और अगर इन दोनों ही नहीं है तब एज जो है वो ऑसिफिकेशन टेस्ट है वो किया जाएगा। तो जुवेनाइल को जब डिसाइड करते हैं तो इन चीजों का बातों में ध्यान रखा जाता है, इस ऑर्डर पे वो चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। और अब यहाँ कहा कि अब क्वेश्चन उठता है कि आधार जो है क्या वो सफिशियंट प्रूफ है पर्सन की एज का, जिस जो कंसिडर किया था हाईकोर्ट ने, तो यहाँ पर कहा कोर्ट ने कहा कि हम ये रेफर करते हैं कुछ इंस्टेंसेस को और नोट लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो थे जो जजमेंट आई थी आधार कार्ड की, वो आधार स्कीम की जो आई थी वो थी के एस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वे काफ़ी फेमस जजमेंट थी, और उसमें जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने उस समय के जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने ये कुछ नोट लिखा था, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है आधार के ऊपर, अब उसके ऊपर डिटेल में हम नहीं जाते। अब समिंग स्कीम्स के ऊपर बताया गया, फिर कहा कि आधार कार्ड जो है क्या वो प्रूफ ऑफ एज ऑफ प्रूफ के ऊपर जा सकता है, तो कहा कि कुछ हाई कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट्स बताई दी हैं और रिवील करती है कुछ ओकेजन्स पे जेजे एक्ट का भी उन्होंने कंसीडर किया था, और ये बताया था कि मनोज कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की जजमेंट थी जिसमें लर्नर सिंगल जज थे मध्य प्रदेश के, और उन्होंने ये कहा कि जब एस्टेब्लिश करना हो एज को तब जुबिलिटी एज जो एज है मेंशन की जाती है आधार कार्ड की उसे एक कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए, जो सेक्शन 94 ऑफ जेजे एक्ट के हिसाब से बताया जा रहा है, तो कि आधार कार्ड के बेसिस पे उसकी उम्र का नहीं बता लगा सकते जो जेजे एक्ट अगर उसको डिसाइड करना है तो मींस एज को देखना है। तो एक शाहरुख खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में भी कहा था कि अगर जूनियरनेस है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जो कि चैलेंज में नहीं है तो ऐसे में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को प्राइमेसी के तौर पर लेना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो हाई कोर्ट ने जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, उसमें बताया था कि आधार कार्ड ये कोई फ्रेम प्रूफ नहीं है, नवदीप सिंह अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की, ये जजमेंट में भी बताया था। अब यहाँ पर कई जजमेंट्स का और भी रेफरेंस दिया। अब यहाँ पर केस पे आते हैं कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है UIDAI, उन्होंने कहा था अपना सर्कुलर निकाला था सर्कुलर 8 ऑफ 2023, उसमें जो रेफरेंस था ऑफिस मेमोरेंडम का जो इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 20 दिसंबर 2018 को, और कहा था कि आधार कार्ड बेशक आइडेंटिटी के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए किया जा सकता है लेकिन नॉट एज पर सी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के तौर पे इसको नहीं यूज किया, आधार कार्ड एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। ऑफिस मेमोरेंडम 20 दिसंबर 2018 का था, वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट आई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट डिविजनल बेंच की कोर्ट ने देखी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो जिसे कहते हैं UIDAI, तो उसका जो जजमेंट का एक्सट्रैक्ट था उसमें सर्कुलर 8 2023 का था, ये सर्कुलर 8 2023 जो है वो मीन्स आप देखिएगा नेट में अवेलेबल है, क्योंकि अब जो सर्कुलर जो नेट में अवेलेबल हो रहा है वो 23 अप्रैल 2024 है, वो भी यही बताता है कि ऑल आधार यूजर्स के बारे में बताया गया कि आधार को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता जब अथेंटिफिकेशन के लिए
कि आधार जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे यूज किया जा सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये नहीं किया जा सकता आधार कार्ड जो डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसलिए 2024 का ये जो था ऑर्डर की डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या बताइए, सर्कुलर था जो 8/2023 का था, जो 22 दिसंबर 2023 को आया था, उसमें ये सर्कुलर की मैं बात कर रहा हूँ जो आधार से दूर है। इट इज नॉट अटेंशन की कंटेंट्स ऑफ यूआईडी दैट आधार इज इंटेंडेड टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी व्हेन यूज्ड विद आइडेंटिफिकेशन। और साथ में बताया कि जो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल अदर सब्सिडीज जो एक्ट है 2016 का, वो मेंशन करता है कि आधार मे बी एस्टैब्लिश्ड एज द एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस और विद रिगार्ड्स टू एक्सेप्टेंस एज अ डेट ऑफ बर्थ इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग करेक्टनेस ऑफ अदर द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द आधार नंबर होल्डर। तो सर्टन हाईकोर्ट जजमेंट्स कई भी आई थी, उसमें आधार कार्ड कहा था कि कैन बी यूज फॉर दी एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, हाउएवर इटसेल्फ इज नॉट अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए ये नया सर्कुलर भी जो आया हुआ है वो 23 अप्रैल 2024 का, कि कहा कि आइडेंटिटी के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है लेकिन नॉट एज अ डेट ऑफ बर्थ के, डेट ऑफ बर्थ के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। तो अब हम जजमेंट पे आते हैं। जो सर्कुलर थी वो 2023 का था, सर्कुलर नंबर 8, उसमें भी 22 दिसंबर 2023 का था। उस सर्कुलर को यहाँ पर कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया, उसमें कहा था कि डेट ऑफ बर्थ के तौर पे इसको नहीं किया जा सकता। तो जुडिशियल नोटिस था वो कई सर्कुलर में लिया गया था, एक सिंगल बेंच की जजमेंट भी आई थी गुजरात हाईकोर्ट की, गोपाल भाई नरन भाई वघेला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें ये बताया था कि जो पटिशनर की पेंशन थी वो डेट ऑफ बर्थ थी, वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे थी, और डिफरेंस ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड की बताई थी उसको सेट असाइड कर दिया था। तो कहा कि आप इस पर कंसिडरेशन पर हम नहीं ले सकते। शोभा वर्सेज एनसीटी ऑफ दिल्ली की भी जजमेंट को भी देखा था। अब यहाँ पर अब मेन इशू पे आया, उन्होंने ये आया कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ एज है, अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा सारी जजमेंट को देखते हुए ये कहा कि वी हैव नो हेजिटेशन एक्सेप्टिंग दी कॉन्टेंशन ऑफ द क्लेमेंट अपीलेंट बेस्ड ऑन द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो क्लेमेंट अपीलेंट ने जो अपनी कॉन्टेंशन लगाई है तो उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट लिया है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही डेट ऑफ बर्थ बताई जाएगी। तो कहा कि एमएससीटी ने जो डिटरमाइन की थी डेट ऑफ बर्थ जो थी वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के आधार पर की थी, वो एकदम करेक्ट था। अब जो इंटरेस्ट के अवॉर्डेड के ऊपर आप कोर्ट में आई, उसने कहा था यहाँ पर भी हम नहीं समझ पाए कि हाई कोर्ट ने रिड्यूस क्यों कर दी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 7.5% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको 6% कर दिया था हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पर कहा कि हाई कोर्ट ये जो है जो फैक्ट है उसकी अपनी जो साइट है वो लूज नहीं कर सकती, जो अपनी जो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। जो कॉम्पनसेशन जो अवार्ड रिसीव की जा रही थी वो क्लेम फाइल की गई थी एमएससीटी में, वो आइडर टू बी बॉर्न आउट बाय इंजर्ड आदमी होगा, जहाँ डेथ हो जाती है क्लेमेंट की, या फिर फैमिली मेंबर होंगे क्लेमेंट के, और जो अमाउंट अवार्डेड जो होगा इतना होना चाहिए कि उसे जस्टिस मिल सके। तो ये जो अमाउंट जो है वो जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने कहा कि हम इसको एनहेंस करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको 8% करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। तो मींस एमएससीटी ने जो दिया था 7.5% था, हाई कोर्ट ने रिड्यूस करके 6 कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको 8% कर दिया कि फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्लेम पिटीशन। तो यहाँ पर अबव डिस्कशन को देखते हुए कहा कि जो नोशनल इनकम थी उसको हम यहाँ पर 9,000 मानते हैं जो ट्राइबुनल ने एक्सेप्ट की थी, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1970 का मानते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई मेथड जो है वो 14 ही अप्लाई किया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रेनिस सिटी की एक जजमेंट थी उस पर रिलाई किया और टेबुलेटेड फॉर्म में जो था वो अपनी कॉम्पनसेशन थी वो फिक्स कर दी। एमएससीटी और हाईकोर्ट ने जो जो बताई थी और फाइनल कॉम्पनसेशन ये थी। तो ये फाइनल कॉम्पनसेशन पे हम चलते हैं और उसमें जो बताया कि एमएससीटी ने जो थी वो बताई थी 20,35,400 विद 7% इंटरेस्ट, हाईकोर्ट ने जिसे रिड्यूस करके 9,22,336 कर दी विद 6% इंटरेस्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको 14,41,500 विद 8% कर दी। तो अब यहाँ पर कहा कि अपील अलाउ की जाती है लेकिन जो टोटल अमाउंट थी 14,14,41,500 थी उसको जस्ट कॉम्पनसेशन माना जाएगा, तो उसे राउंड ऑफ किया जाता है 15 लाख के साथ विद 8% इंटरेस्ट के साथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द क्लेम पिटीशन, जो भी उसे रिलीज कर देना चाहिए जो राइटफुल क्लेमेंट्स थे इन द मैनर जो डायरेक्शन दी थी ट्रिब्यूनल ने, इसलिए पेंडिंग एप्लीकेशन थी उसको भी डिस्पोज कर दिया, नो ऑर्डर एज टू द कॉस्ट। तो ये जजमेंट आई थी 24 अक्टूबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों,
कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।